विवेक श्रीवास्तव जी, वामपंथी इतिहासकारों को भारत के स्वर्णिम काल से क्यों चिढ़े बताइए। एक वामपंथी इतिहासकार ये लिखती है कि वेद अफगानिस्तान में लिखे गए थे। नहीं है अगर, हाँ सुनिए सर, देखिए पहली चीज, किसी को किसी चीज से चिढ़ नहीं है, लेकिन इमेजिनरी स्वर्णिम काल में ना रहें, आगे प्रगति के पथ पे चलें। पास्ट में रहने के बजाय भारत को अगर सुपर पावर बनाना है तो थोड़ा भविष्य की तरफ देखें, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथमेटिक्स की तरफ। जैक मा मिल गया क्या चाइना में? दूसरी बात बताइए ना, अब आप जैसा कि दशीपुरा वाला ने कहा था, नहीं आप सुनिए, चाइना नहीं, आप इंडिया की बात करिए, नहीं आप इंडिया की बात करिए पहले, लेट मी स्पीक। वैज्ञानिक तथ्यों पे सरकार को बनाइए, द्रौपदी का चीरहरण सुनिए, अरे आप चुप होके सुनिए जरा, एक दीपक जी इतना बोल रहे हैं, सुनिए जरा, द्रौपदी का चीरहरण इसी धर्म के महाभारत में लिखा गया है। सीता माता जिसकी सब पूजा करते हैं उनको इसी अयोध्या से निकाला गया है। शंभुक ऋषि के वध की बात वो कर रहे थे। भगवत गीता में भी लिखा गया है वर्ण के बारे में कि वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र वर्ण है, दलितों को कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। स्वर्णिम काल की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा अंबेडकर का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, कह रहा हूँ यही आपके, लेकिन ये जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ जिसकी वजह से कन्वर्जन हुए, जिसकी वजह से कन्वर्जन हुए, आप उसको दिखाना नहीं चाहेंगे? इस्लामिक कन्वर्जन क्यों हुए बताइए ना, पक 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 कीजिए, इस्लामिक कन्वर्जन इसलिए हुए सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अपने समाज में दलितों को अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। कट्टुओं ने जो इतिहास लिखा है, अगर हर राजा आक्रांता होता है, हर राजा अत्याचारी होता है, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा, सम्राट अशोक भी आक्रांता थे, सम्राट अशोक ने भी मारकाट मचाई, ठीक है, आपने बोल दिया ना अपनी बात, आपने बोल दिया अपनी बात, मैं आपकी का सवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब निजेश जी के पास चलता हूँ इसी सवाल को लेकर। अब निजेश जी मुझे बताइए, वामपंथी इतिहासकारों को भारत के स्वर्णिम काल से चिढ़ क्यों थी, क्यों वो मैकालेवादी बन गए? भारत का स्वर्णिम काल काल्पनिक है, जिस स्वर्णिम काल दीपक जी मैं किसी के और भविष्य में सोचना चाहिए। जवाब भी सुन लीजिए ना, विवेक श्रीवास्तव जी रिपीट कर रहे हैं आप अपने आप को, जवाब सुन लीजिए, रिपीट कर रहे हैं आप अपने आप को, जवाब सुन लीजिए। अब दीजिए जी, बता दिया स्वर्णिम काल बनाइए, सुपर पावर बनिए आप, या पुष्पक विमान के सहारे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माइथोलॉजी है, हमेशा से 1947 से आज तक हमारे धर्मशास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं मंदिरों में, गुरुकुल खड़े हुए हैं, मदरसे रखे हुए हैं।